अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन। इससे पहले जो हमारे टॉपिक्स चल रहे हैं उनमें हम पढ़ रहे थे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हमने इससे पहले नाइट्रेशन और हैलोजिनेशन कवर की है, और इसमें हमारा जो इलेक्ट्रोफाइल है वो रिप्लेस होता है और उसकी जगह पे एक नया इलेक्ट्रोफाइल आता है। सो जो आज का रिएक्शन है वो है सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन। सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन, सो सल्फोनेशन क्या होती है? बेंजीन में सल्फोनिक ग्रुप का इंट्रोडक्शन आर रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम विद SO3H ग्रुप, इसको हम सल्फोनेशन कहते हैं। सल्फोनेशन के लिए जो सल्फोनेटिंग एजेंट हम यूज करते हैं, या कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड यूज कर सकते हैं, या सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस एंड H2SO4 इसमें यूज कर सकते हैं। हम इसके अंदर स्टूडेंट्स ओलियम भी यूज कर सकते हैं। ओलियम को H2S2O7 कहते हैं, या इसको पायरोसल्फ्यूरिक एसिड भी कहते हैं। सो इसमें हम ये भी यूज कर सकते हैं। ये जो SO3 गैस और सल्फ्यूरिक एसिड का मिक्सचर है, इसको फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड भी कहते हैं। सो अगर हम रिएक्शन को देखें तो बेंजीन को जब ट्रीट करते हैं कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, 80 डिग्री सेल्सियस पे, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनता है उसमें बेंजीन के साथ SO3H ग्रुप आता है, जिसको हम कहते हैं बेंजीन सल्फोनिक एसिड। और सिमिलरली अगर हम बजाय कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के SO3 गैस भी यूज करें तो हमारा रिएक्शन फास्ट होगा और 25 डिग्री पे हो जाएगा, और जो प्रोडक्ट होगा वो भी इस केस में अगेन सेम होगा, और वो क्या होगा? अगेन बेंजीन सल्फोनिक एसिड या बेंजीन के साथ SO3H ग्रुप आएगा। उसके बाद हम देखते हैं कि इसमें इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है। तो स्टूडेंट, इसमें जो इलेक्ट्रोफाइल होता है वो क्या होता है? SO3 ग्रुप होता है, क्योंकि जो SO3 का सल्फर है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है सेंट्रल एटम। इस वजह से जो बेंजीन के अंदर SO3H ग्रुप आया है वो एक्चुअली हमारा इलेक्ट्रोफाइल है। अब इसका मैकेनिज्म अगर देखें तो मैकेनिज्म में स्टूडेंट, सबसे पहले सल्फ्यूरिक एसिड के दो मॉलिक्यूल रिवर्सिबली कंबाइन होते हैं, और आप देखें तो ये जो फर्स्ट सल्फ्यूरिक एसिड है इसका OH और H सेकंड सल्फ्यूरिक एसिड के H के साथ कंबाइन होकर क्या बनाता है? हाइड्रोनियम आयन। और सेकंड सल्फ्यूरिक एसिड आपको पता है ये डिकम्पोज होकर क्या बना देता है? हाइड्रोजन सल्फेट या बाइसल्फेट। और आपको बताया था कि हाइड्रोजन सल्फेट या बाइसल्फेट क्या होता है? एक बेस होता है। और जो तीसरी चीज इसके अंदर पैदा होती है वो S और 3 ऑक्सीजन मिलके क्या बनाते हैं? SO3, जो कि हमारा एक्चुअल इलेक्ट्रोफाइल है। अब क्या होता है कि बेंजीन अटैक करता है सल्फर के ऊपर, या सल्फर अटैक करता है बेंजीन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड के ऊपर। सो ये जो बॉन्ड होता है इन दो कार्बन के दरमियान, ये शिफ्ट हो जाता है कार्बन नंबर उस कार्बन की तरफ जिधर हाइड्रोजन अटैच है। तो आपके पास ये जो है ना, ये आपके पास क्या बनता है? सिग्मा कॉम्प्लेक्स बन जाता है। बेटो, ये जब सिग्मा कॉम्प्लेक्स बन जाता है तो सिग्मा कॉम्प्लेक्स में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो कार्बन है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज और SO3 नेगेटिव चार्ज है। सो अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है? नेक्स्ट स्टेप में रिमूवल ऑफ प्रोटॉन होती है, एज वी ऑलरेडी नो। सो रिमूवल ऑफ प्रोटॉन इज असिस्टेड बाय और हेल्प बाय बाइसल्फेट और HSO4। सो HSO4 क्या करता है? इस प्रोटॉन को रिमूव करता है। जब इस प्रोटॉन को रिमूव करता है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? H2SO4 में। और आपके पास क्या रह जाता है? SO3 रह जाता है नेगेटिव बेंजीन रिंग के साथ। यानी आप भी कह सकते हैं कि बेंजीन सल्फाइड आयन, सल्फाइड आयन। उसके बाद क्या होता है कि लास्ट स्टेप में ये जो हाइड्रोनियम आयन है, इस हाइड्रोनियम आयन का H वो कौन पिक करता है? SO3 पिक करता है, क्योंकि हाइड्रोनियम आयन आपको पता है कि अनस्टेबल है, क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर क्या चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है। सो वन ऑफ द प्रोटॉन इज टेकन अप बाय SO3H एंड इट इज कन्वर्टेड इनटू SO3H ग्रुप एंड H2O। सो दिस इज बेंजीन सल्फोनिक एसिड। इसमें जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि इसके अंदर इलेक्ट्रोफाइल कौन सा है। तो स्टूडेंट, इसके अंदर जो इलेक्ट्रोफाइल है वो SO3 है, और बेंजीन में हाइड्रोजन की जगह पे अगर SO3 ग्रुप आ जाए तो इसको हम सल्फोनेशन कहते हैं। सल्फोनेशन के लिए जो सल्फोनेटिंग एजेंट है वो कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड है, या SO3 प्लस सल्फ्यूरिक एसिड है, या ओलियम है। इसमें टेम्परेचर का ख्याल आपने रखना है कि जब सिर्फ सल्फ्यूरिक एसिड यूज करेंगे तो टेम्परेचर जरा हाई होगा, एलिवेटेड होगा, यानी कि उसमें बॉन्ड ब्रेक होना है और इलेक्ट्रोफाइल ने पैदा होना है। जबकि जो 25 डिग्री वाला है इसमें SO3 एक्ट करता है
एक इलेक्ट्रोफाइल के तौर पर, तो आप यूं कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोफाइल ऑलरेडी रेडीली पड़ा होता है, इसलिए कम टेम्परेचर इसमें चाहिए होता है।